हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी विटामिन सिरप के बारे में, जो कि इस सिरप का नाम है हमारा नेक्सो वाइटल हेल्थ सिरप। इस वीडियो में आपको इस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो बने रहो वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो ये हमारी सिरप है, ये हमारी एक टाइप की मल्टी विटामिन सिरप है, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब किसी व्यक्ति में मल्टी विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कमी हो जाती है जब डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस सिरप को। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति या पेशेंट को डेफिशेंसी, मतलब कमी हो जाती है विटामिन्स की और मिनरल्स की, जो कि हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे बॉडी में, अगर उसकी कमी हो जाती है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस सिरप को, जिससे उसकी जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है उसको फुलफिल कर सकें। और ये भी देख रखा है, अगर व्यक्ति के रेड ब्लड सेल्स और बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई, तो इससे क्या होता है, एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। अगर बॉडी में RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स और बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अगर उसकी भी कमी हो जाती है, तो व्यक्ति में एनेमिया, मतलब खून की कमी की वजह से एनेमिया हो सकता है। तो उसको भी फुलफिल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस सिरप को। और ये जो हमारा सिरप है, ये एक टाइप का हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि हेल्प करता है फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में, जिससे हमारा स्किन बहुत ही अच्छी रहती है। और ये भी देख रखा है, अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो उसमें भी हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है ये कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को। और तो और हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर होता है, उसको भी रिलीव करने में बहुत ही हेल्प करता है ये सिरप। और ये भी देखा गया, अगर व्यक्ति के स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि उसे कॉन्स्टिपेशन होता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता उसको, तो उसके जो इंटेस्टाइन या स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करता है ये सिरप, जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। अगर व्यक्ति को कैल्शियम या फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, तो उस समय भी ये सिरप दिया जाता है, जिससे कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके उसके जो जॉइंट्स है, बोन्स है, टीथ है, मसल है, उसको अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सके। बोन्स में अगर कैल्शियम होगा, तो वो बोन्स भी हेल्दी रहेंगे, टीथ भी हेल्दी रहेंगे, जो हमारे जॉइंट्स है वो भी हेल्दी रहेंगे, और मसल्स भी हमारे बहुत हेल्दी रहेंगे। तो ओवरऑल दो देखा गया है इस सिरप का, ये हमारी एक टाइप की मल्टी विटामिन सिरप है, जो कि अगर हमारे बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन्स की हो गई, मिनरल की हो गई, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो ये ओवरऑल सबको ठीक करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो दोस्तों, यही है इसके यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एडवाइस से ही आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, जो ये हमारी सिरप है, इसको आपके डॉक्टर आपकी एज, आपकी वेट के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे दिन में कितनी बार पीनी चाहिए और कितनी चम्मच लेनी चाहिए। जो इसकी नॉर्मल डोज है, आप इसको 10 ml ले सकते हैं। आप दिन में इसको एक बार भी ले सकते हैं और या दिन में दो बार भी ले सकते हैं। डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर आपको वो बताएगा कि दिन में एक बार लेना है या दिन में दो बार, लेकिन आपको एक बार में 10 ml लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये सिरप लेते हैं, तो ये कैसे वर्क करती है सिरप आपके बॉडी में। जो ये हमारी सिरप है, ये हमारी एक टाइप की मल्टी विटामिन सिरप है। हमारे बॉडी में अगर विटामिन्स और मिनरल्स, रेड ब्लड सेल, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। और बॉडी में अगर कैल्शियम, फॉस्फोरस, अगर इन चीज़ों की भी कमी हो जाती है, तो उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। जो ओवरऑल देखा गया, अगर मल्टी विटामिन्स की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने में बहुत ही हेल्प करता है, जिससे हमें कोई सा भी डिसऑर्डर हो, जैसे मैंने आपको बताया इसके यूजेस में, अगर वो डिसऑर्डर होता है, तो आपको उसको भी ठीक करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये सिरप लेते हैं, उससे पहले कुछ सेफ्टी एडवाइस आपको ज़रूर रखनी चाहिए।
जो इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस है, पहले तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से तो इसको लेनी है, और लेने से पहले इसको अच्छे से सेक कर लेना है। सेक करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी कोई अदर मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यही है वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।